सर बहुत नमस्कार आपको और नए कविता संग्रह की बहुत बधाई। बहुत सुंदर कवर पेज भी है, आपने फेसबुक पर इसको डिस्कस भी किया था, नाम भी उतना ही सुंदर है। अभी अभी मुझे मिली प्रति और पहली ही कविता जो मैंने देखी उससे मतलब एकदम मन जो है वो मुग्ध हो गया, तृप्त हो गया। राजनीति हम करेंगे और एक गाय पर निबंध प्रतियोगिता, इतनी सुंदर कविताएं हैं और ओवरऑल भी मुझे लगता है कि हिंदी में बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं। फिर आपको क्यों लगता है कि हिंदी कविता का हाल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा त्रासद है, बुरा है, उसका बाज़ार कम है, पाठक कम है? ये दुखी से सवाल से मैं शुरू नहीं कर रही, लेकिन ये है कि इतनी खूबसूरत कविताओं के बावजूद क्यों उसकी उपस्थिति बाज़ार में उतनी प्रमुख नहीं है? इसकी एक तो दो वजहें मुझे समझ में आती हैं। एक तो ये है कि हिंदी कविता का मुख्य जो टोन है जी वो बाज़ार विरोधी है, तो बाज़ार विरोधी टोन होने की वजह से, बाज़ार विरोधी टोन का मतलब उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसके उसका विरोध हिंदी कविता का एक स्वर है, तो बाज़ार का तालमेल हिंदी कविता से नहीं हो पाता है। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि हिंदी में इस समय बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कविताएं भी लिखी जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी जाने की वजह से अच्छी कविता और ज़्यादा कविता के बीच का जो फ़र्क है वो हम नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से दिक्कत है। लेकिन इसी में कुछ ऐसे संग्रह आते हैं, कुछ ऐसी कविताएं आती हैं जो काफ़ी राहत देती हैं जी और एक आसूदगी पैदा करती हैं हिंदी भाषा के प्रति, क्योंकि कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिस भाषा में अच्छी कविताएं लिखी जाएंगी उस भाषा का भविष्य सुरक्षित है। जी बढ़िया बढ़िया। और लोकप्रिय कविता जो है हिंदी की कई बार वो तुकबंदी होती है, मतलब वो जो गीत के पास है या वो जो उर्दू शायरी के पास है। और अभी भी बहुत सारे दक्षिणपंथी लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि कविता जब तक तुकबंदी ना हो वो खूबसूरत नहीं है, वो कविता नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? असल में एक ये कविता के बारे में अविकसित समझ का नतीजा है जी। यह नहीं है कि जो लोकप्रिय कविता है और छंदों वाली कविता है वो अनिवार्यतः खराब कविता है, लेकिन जब आप तुकबंदी वाली कविता लिखते हैं, छंद वाली कविता लिखते हैं, तो उसमें एक यत्न साधित और यत्न साधित चीज़ें आती हैं तुक मिलाने के लिए, और तुक मिलाने के क्रम में कई बार हम देखते हैं कि बेतुकी बातें हो जाती हैं जी। तो उस ओर जो है इन लोगों का ध्यान नहीं जाता। एक शायर ने कहा है, नाम नहीं याद आ रहा है उसकी, उसका बहुत अच्छा शेर है कि गजल गो तो बहुत है, हाँ, शायर नहीं है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो शायर बढ़िया होना चाहिए, कविता में हृदय को और वर्तमान समय को छूने की क्षमता होनी चाहिए। और कई बार हम पाते हैं कि जो लोकप्रिय कविता जिसको कहा जा रहा है वो हमारे समय को ऊपर ऊपर से तो छू जाती है लेकिन उसके भीतर पहुंचने की क्षमता उसके भीतर नहीं होती। बहुत उम्दा का है जी जी। अच्छा, बहुत जल्दी में ही, लेकिन कुछ एक सवाल, मैंने बहुत से सवाल तैयार करके रखे हैं उस संग्रह के बारे में जो मुझे बहुत पसंद है, सुख एक बासी चीज़ है, और आशा है कि कभी विस्तार से उन पर बातों का अवसर मिलेगा। लेकिन अभी ये कि उसकी जो वो शीर्षक कविता है, सुख एक बासी चीज़ है, जहाँ एक काला हांडी की बहुत संघर्षरत आदिवासी स्त्री शायद ये कहती है कि हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है अपनी रोटी के लिए ही,
अपने आधारभूत ज़रूरतों के लिए कि हमें ये लगता है कि सुख तो एक बासी चीज़ है, तो क्या ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी है? व्यंग्यात्मक टिप्पणी तो नहीं है, उस स्त्री की, उसके हाल की जो हमारे देश में आदिवासी समाज है जी, और कई बार मुख्य धारा जिसको कहते हैं, वो मुख्य धारा के विकास की अवधारणा है। हाँ। उस अवधारणा के इतने बाहर